आपने नाम सुना होगा फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं, और सौभाग्य से इस कीट के लिए फेरोमोन उपलब्ध है। फेरोमोन एक ट्रैप जो है छोटा सा है, बड़ा सस्ता उपकरण है, 50-60 रुपए में आ जाता है। उसका एक लेयर होता है, लेयर मतलब एक कैप्सूल रहती है जिसको कि हम एक पन्नी में से निकालते हैं और उसको ट्रैप के नीचे लगा देते हैं, और उस ट्रैप में नीचे प्लास्टिक की थैली बंदी होती है। तो उस गंध को सुनकर इस जाति के जितने भी नर पतंगे हैं वहाँ आकर्षित होकर नीचे की पॉलीथीन की पन्नी में कैद हो जाते हैं। मादा घूमती रहेगी, मादा आपकी फसल में विचरण करती रहेगी, लेकिन वो जो अंडे देगी उसमें से इल्लियाँ नहीं निकलेंगी, क्योंकि नर और मादा का मिलन हुआ ही नहीं। वो जो अंडे हैं वो फर्टिलाइज नहीं है, निषेचित नहीं है अंडे वो, इसलिए उनसे इल्लियाँ नहीं निकलती हैं। तो और इस फेरोमोन का जो ट्रैप लगाते हैं उसका करीब करीब 10 से 15 दिन तक असर रहता है। इसके बाद में एक और जैविक कीटनाशक हमारे पास में है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोरिएट्रोसिस वायरस, मतलब कि वायरस आधारित जैविक कीटनाशक होता है। ये भी तंबाकू की इल्ली के लिए विशेष निकाला गया है, विशेष तरह से बनाया गया है। इसमें सिर्फ तंबाकू की इल्ली के ही जो इल्लियाँ हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है, तो इनका भी उपयोग कर सकते हैं। और आज मैं किसान भाइयों के साथ में बड़ी खुशी के साथ साझा करना चाहता हूँ ये बात कि अभी कुछ ही दिनों में मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ किसान भाई इस तरह के उत्पाद रखने वाली, उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के साथ में मिलकर उनकी डीलरशिप ले रहे हैं और इनका विक्रय इन्होंने चालू कर दिया है। तो देखिए, जब किसान एक व्यवसाय के रूप में किसी चीज़ को अपनाता है तो निश्चित मानिए उसके पीछे उसका भरोसा होता है। इसके अलावा कुछ कीटनाशक होते हैं जो कि आवश्यक हैं। 3 तरह के कीटनाशक भारत सरकार ने इसके लिए अनुशंसित किए हैं और हमारे संस्थान से भी इनकी अनुशंसा की गई है। वो है इंडोक्साकार, जिसका 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, या फ्लूबेंडियामाइड नाम की दवाई आती है वो 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, या फिर स्पाइनोटेरम 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। अगर इनका छिड़ाव करेंगे तो तंबाकू की इल्ली से आपकी फसल को सुरक्षा मिल सकती है। तो आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कृपया इन बातों का ध्यान रखें और इनका अनुसरण करके अपनी फसल को इस कीट से बचाएं। धन्यवाद।